हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ साड़ी के लिए ब्यूटीफुल सा बन हेयर स्टाइल। वेडिंग सीजन चलने वाला है, तो वेडिंग सीजन के लिए बहुत बेस्ट रहेगा ये सारे हेयर स्टाइल्स एंड मेकअप ट्यूटोरियल्स। मेरे चैनल पे ब्यूटी पार्लर कोर्स से और रिलेटेड ऑल वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो पहले मैंने लगाया है मॉइस्चराइजर, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना डेली स्किन केयर रूटीन नहीं किया था, तो मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया है। आपको भी एक अच्छे मॉइस्चराइजर की ज़रूरत है अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। ऑयली है तो ऑयली के अकॉर्डिंग एंड ड्राई है तो ड्राई के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप ले रही हूँ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन ना लगाने की वजह से हमारी स्किन पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, छाइयाँ, पिगमेंटेशन, बहुत सारी चीज़ें जो कि आप सनस्क्रीन लगा के ठीक कर सकते हो। तो सनस्क्रीन को अपने डेली स्किन केयर रूटीन में शामिल कीजिए एंड सनस्क्रीन को डेली लगाइए अपने फेस पे, हैंड पे, हर जगह। अगर आप बाहर जाते हो तो फिर 30-50 SPF वाला लगाइए एंड घर में हो तो 15-20-30 तक आप लगा सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप तो धूप में जाते ही नहीं, तो आपको सनस्क्रीन की क्या जरूरत है? तो बिल्कुल है आपको सनस्क्रीन की जरूरत, तो आप सनस्क्रीन जरूर लगाइए। उसके बाद मैंने अपना आईब्रो फिल किया था। आईब्रो फिल करने के बाद मैं लिपस्टिक लगाऊंगी, दैट्स इट। मैं कोई मेकअप नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। इस तरीके से आईब्रो को फील किया है। आईब्रो फील करने के बाद से मैं लिपस्टिक लगाऊंगी एंड लिपस्टिक लगाने के बाद दैट्स इट, मैं कुछ नहीं लगाने वाली हूँ। अगर आप डेली स्किन केयर रूटीन में इतना भी कर रहे हो तो आपकी स्किन काफ़ी यंग एंड खूबसूरत दिखेगी। तो ये सारी चीज़ें स्टेप फॉलो किया कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पुराने टाइम बहुत लंबे टाइम से हो तो आपको पता चलता होगा कि मैं क्या क्या करती रहती हूँ। एंड बालों की स्थिति ख़राब हो रही है तो मैं बहुत जल्दी हेयर कट करने वाली हूँ और आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी। तो मैं सेल्फ हेयर कट ही करूँगी। मैं ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो हाउस वाइफ एंड घर पर रहने वाली या फिर जो पार्लर जाके बहुत ज़्यादा पैसे नहीं दे सकती हैं, उन लोगों के लिए मेरे चैनल पर ऑल वीडियोज बहुत ही हेल्पफुल मिलेंगी। तो गाइस, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बहुत ज़्यादा अमेजिंग टिप्स के साथ आपको मेकअप एंड स्किन केयर रूटीन, हेयर केयर रूटीन्स एंड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। सेकंड चैनल पर सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज जाते रहते हैं, तो सिलाई में जो भी छोटी छोटी मिस्टेक करते हो, बारीकियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। प्लीज़ सिवाई टू चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप जाके इजिली वहाँ पर विजिट कर सकते हो। और इसकी मदद से मैं यहाँ पर पफ एंड डोनट बन की मदद से हेयर स्टाइल बनाने वाली हूँ। काफ़ी अच्छा और इजी हेयर स्टाइल है, तो हेयर स्टाइल की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने बालों को ओपन कर लिया है, मैंने हेयर वॉश किया था एंड इसके बाद मैंने अभी कॉम भी नहीं किया है एंड स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से मैंने बीच से बालों को मांग निकाली है एंड यहाँ पे पफ को लगा दे रही हूँ। और इसको अच्छे से पफ बनाने के लिए देखिए बहुत ईजी स्टेप बता रही हूँ, तो बैगिनर्स हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस तरीके से सेंटर से उठा के बस सिंपली आपको पफ पे इस तरीके से हेयर को रख देना है। बहुत ईजिली बहुत खूबसूरत सा पफ आपका बन जाएगा, कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। और मैं अपने रियल बालों पे बनाती हूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छे से रिजल्ट पता चले, क्योंकि डमी वगैरह पे अच्छे से रिजल्ट नहीं दिख पाता है, क्योंकि डमी के हेयर और हमारे हेयर में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो इस तरीके से फ्रंट से हेयर को निकाल रही हूँ और अच्छे से पफ को हाइड करके ये बॉबी क्लिप की मदद से सिक्योर कर लेंगे। देखिए कितना ईजिली बहुत आसानी से और बहुत खूबसूरत पफ यहाँ पे बनके रेडी हो गया है। और ये आप पल्लू रखिए, कुछ भी रखिए, क्योंकि हमने इसमें अंदर आर्टिफिशियल पफ डाला है तो हमारा हेयर फ्लैट नहीं होगा एंड ऐसे का ऐसे लुक रहेगा। तो चलिए पिन लगा लेते हैं एंड उसके बाद कैसा करना है आपको हेयर स्टाइल वो बताती हूँ मैं। मेकअप से रिलेटेड ऑल वीडियोज़ मेरे चैनल पर हैं, स्किन केयर से रिलेटेड स्क्रब कैसे करना चाहिए, मेकअप करने का स्टेप बाय स्टेप क्या है प्रोसेस, सब कुछ बताते रहती हूँ। और हर एक चीज़ का बारीकी से, जैसे स्क्रब, क्लींजिंग मिल्क, मसाज स्टेप, प्रेशर पॉइंट क्या होता है, हर एक चीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। हेयर कट कैसे करना चाहिए, हेयर स्टाइलिंग कैसे करनी चाहिए, बालों की केयर कैसे करनी चाहिए, सब कुछ। तो अभी मैंने आपको बताया था कि मुझे थायराइड की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं, लेकिन अभी बहुत हद तक कंट्रोल हो चुका है। तो इसीलिए मैं अपना हेयर कट नहीं कर रही हूँ, कि अभी जितने में हेयर डैमेज होने हैं हो जाएं, जब अच्छे से हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा तब हेयर कट करके मैं अच्छे से अपने बालों को फिर से हेल्दी एंड खूबसूरत दिखा पाऊंगी। और आप लोगों के साथ तो न्यू अपडेट आती ही रहती है। एंड मैं गई थी वृंदावन, मथुरा वृंदावन एंड मथुरा वृंदावन तो गई थी, साथ साथ में मेरी ननद का एंगेजमेंट था तो वहाँ गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं शूट कर पा रही थी। तो उसके लिए पहले तो वेरी सॉरी माय यूट्यूब फैमिली, वेरी सॉरी। एंड अभी पर डे आपको वीडियोस मिलेंगी, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा गाइज। तो इस तरीके से ट्विस्टिंग करते करते जहाँ पे आपने क्लिप पफ की क्लिप्स लगाई थी बॉबी क्लिप, वहाँ तक इसको भी इस तरीके से ट्विस्ट करके लेके जाना है। एंड ये देखिए क्लिप जहाँ पे है वहाँ पे आपको ऊपर की तरफ इस तरीके से लेके जाना है और क्लिप में फंसाते हुए दूसरा बॉबी क्लिप लगा देंगे, तो जिससे कि आपका जो हेयर स्टाइल का लुक है ट्विस्टिंग का काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो इस तरीके से मैं लगा रही हूँ। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी करना है। इंस्टाग्राम आईडी भी प्रीत तिवारी 24 है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से आप इजीली जाके इंस्टाग्राम पे विजिट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरी रील्स वीडियोज आपको देखने को मिलते रहती हैं डे बाई डे, तो प्लीज़ वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा।
सेकेंड चैनल पर भी ज़रूर जाइएगा। तो ये देखिए इस तरीके से ट्विस्टिंग कर रही हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इस तरीके से बैक तक इसको करते जाएंगे, एंड जैसे हमने दूसरी साइड में ट्विस्टिंग करके बॉबी क्लिप्स के ऊपर इसको लेके गए थे पफ वाले, उसी वहीं पे दूसरा लेयर भी लेके जाना है, एंड वहाँ पे इसको बॉबी क्लिप की मदद से सिक्योर कर देना है। तो काफ़ी प्यारा सा बहुत ईजी स्टेप के साथ आपको ये हेयर स्टाइल मिल रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से क्लिप को लगा रही हूँ ताकि वो हाइड हो जाए, दिखाई ना दे। ओके, अब सारे बालों को एक साथ कॉम करना है एंड एक रबर बैंड लगा लेंगे। इस तरीके से लगा लिया है, अब डोनट बन लेंगे एंड रबर बैंड के ऊपर जस्ट इस तरीके से लगा लेंगे। ओके, और डोनट बन को अच्छे से सेट करने के लिए यू पिन्स लेंगे और चारों तरफ से यू पिन को लगा देंगे, ऊपर साइड में, दूसरी साइड में, नीचे, सारी जगह यू पिन्स को अच्छे से लगा लीजिएगा। तो इस तरीके से लगा लिया है, अब जितने भी बाल हैं, बाल तो बहुत कम है तो उसी में से दो पार्ट्स करेंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हेयर को, एंड ऊपर नीचे इस तरीके से फैलाएंगे एंड उसके ऊपर एक पतला वाला रबड़ बैंड लेंगे। रबड़ बैंड मिलने रहा है, ढूंढ रही हूँ, जल्दी से मिल जाए भाई रबड़ बैंड, क्योंकि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, एक एक मिनट हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कीमती है आजकल के टाइम पर। तो इस तरीके से हमने लिया है रबड़ बैंड को और डोनट बन को अच्छे से हाइड करते हुए रबड़ बैंड को इस तरीके से लगा देंगे। वाह, तो ये हमारा लग गया है। अब क्या करेंगे, अब आपको जो हमारा हेयर साइड में बचा हुआ है उनको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड आपस में ट्विस्ट करते हुए पूरे बन को, बन के साइड साइड में इस तरीके से करते जाएंगे। ओके, ट्विस्ट करते जाएंगे पूरा और काफ़ी प्यारा सा बन बन के यहाँ पे रेडी होगा। सबसे अच्छी बात है कि ये बन आप सेल्फ भी बना सकते हो और पतले हल्के बाल हैं तो भी काफ़ी अच्छे से बहुत खूबसूरत साड़ी के लिए लुक आ जाएगा आपके बन का। इसके साथ आप गजरा अटैच कर सकते हो, आर्टिफिशियल हेयर को डेकोरेट करने वाले पिंस अटैच कर सकते हो, जिससे कि आपका जो लुक है और भी ज़्यादा खूबसूरत पार्टी वियर वेडिंग सीजन के लिए बेस्ट हो जाएगा। और सिंपल चाहिए तो आप इस तरीके से कर सकते हो, थोड़ा सा डेकोरेट जरूर कर लीजिएगा खूबसूरत लुक दिखाने के लिए। अब बचे हुए बालों को, सारे बालों को अच्छे से ट्विस्ट कर देंगे एंड इस तरीके से लपेट के यू पिन की मदद से सिक्योर कर लेंगे। तो दो चार यू पिन अच्छे से लगा लीजिएगा, जहाँ जहाँ आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो वहाँ पे आप लगा लीजिए। ओके, वाह, तो मुझे तो काफ़ी प्यारा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो हेयर डेकोरेट करना होगा तो नीचे की तरफ से गजरा लगाएगा, क्योंकि ऊपर से बहुत अच्छे से डिज़ाइन बना हुआ है हेयर स्टाइल का, तो उसको आप यू पिंस, जो फ्लावर वाले यू पिंस आते हैं, छोटे छोटे पिंस, उनसे डेकोरेट कीजिएगा। बाकी नीचे से आप गजरा या फिर कोई और हेयर डेकोरेट करने वाले पिंस यूज कर सकते हो, जिससे कि काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ये लूज लग रहा था तो मैंने यू पिन लिया और इस तरीके से जूड़े के साथ इसको अटैच कर दिया है। दूसरी साइड भी इसी तरीके से लगाऊंगी। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो और हेयर स्टाइल अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर डे बाय डे ऐसी ही वीडियोज अपलोड होते रहती हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, काफ़ी ज़्यादा एफोर्डेबल रहती हैं, बहुत कम प्राइस में आप कर सकते हो। कम प्राइस क्या, आप खुद से घर पर कर सकते हो।